गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स मी अनु एंड टुडेस वी गोना मेक चीजी क्रीमीस्ट वाइट सॉस पास्ता, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है, जो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा. सो लेजी पास्ता लवर्स, दिस रेसिपी इज़ फॉर यू. सो सबसे पहले पैन गरम करके उसमें 2 बड़े चम्मच बटर यूज़ करें. आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं. बटर के हल्का मेल्ट होते ही हम इसमें अपने चॉप्ड किए हुए फ्रेश गार्लिक्स को ऐड करेंगे. आप चाहे तो गार्लिक स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है. सो हल्का गार्लिक को आप सौते कर लीजिए. ध्यान रखें पैन मीडियम फ्लेम पे ही रहे. अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे. आपको इसे धीरे धीरे अच्छे से भूनना है. ध्यान रखें अगर आपके पास बटर या फिर ऑयल कम पड़ रहा है तो आप उसमें और बटर ऑयल ऐड कर सकते हैं. इसे अच्छे से भूनने के बाद जब ये इस तरीके से क्रीमी पेस्ट बन जाए तब हम इसमें 1 ग्लास मिल्क ऐड करेंगे. आप चाहे तो कस्टर्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने फ्रेश मिल्क लिया है. 1 ग्लास मिल्क डालने के बाद हम इसको धीरे धीरे स्टर करेंगे. ध्यान रखें अगर आपका पैन ज़्यादा गर्म है तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दें. अब इसे हमें इस तरीके से धीरे धीरे चलाना है एक ही डायरेक्शन में, जब तक कि इसका क्रीमी पेस्ट ना बन जाए. जस्ट लाइक दिस, जब आपका इस तरीके से सॉस की तरह बैटर बन जाए तब आप गैस को ऑफ कर दीजिए. इस तरीके से कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए. अगर ये इतना ही पतला है जितना मैंने यहाँ पे स्पून पे आपको दिखा रही हूँ, बस तब तक हमें ही इसे भूनना है. अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑरिगेनो. अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो पिज्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स. इन सभी को अच्छे से डाल अदा हम सबको धीरे धीरे मिक्स करेंगे. ध्यान रखें गैस की फ्लेम अभी हमें ऑफ ही रखनी है. सभी स्पाइसेस को अच्छे से कंबाइन करने के बाद इसमें हम 1/2 कटी हुई कैप्सिकम को ऐड करेंगे. आप चाहे तो कॉर्न्स या फिर कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं. कॉर्न्स इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे. इसके बाद अब हम इसमें 1 क्यूब चीज़ को अच्छे से ग्रेट करके, या फिर आप चाहे तो इस तरीके से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट करके डाल सकते हैं. यहाँ पे मैंने मदर डेरी का चीज़ लिया है, आप चाहे तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं. चीज़ डालने के बाद थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे. आप चाहे तो स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं. सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे अच्छे से सॉटे कर लीजिए. जस्ट लाइक दिस, हमारा एकदम क्रीमी चीज़ी टेक्सचर इस तरीके से तैयार हो जाना चाहिए. पूरे मिक्सचर के इस तरीके से तैयार होने के बाद अब हम इसमें अपने बॉयल्ड पास्ता को ऐड करेंगे. ध्यान रखें पास्ता को ऐड करते वक्त इसे बहुत ही ज़्यादा तेज से ना चलाएं, बिल्कुल स्लाइटली, गो स्लोली, एकदम आराम से इसे चलाना है ताकि हमारे पास्ता बिल्कुल भी टूटे नहीं. सो सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे ऊपर से ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स के साथ टॉप कर सकते हैं, और हमारी चीज़ी स्पाइसीस्ट वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है. सो इसे बनाएं और इंजॉय करें. ये बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल रेसिपी है. सो ऐसी ही और सिंपल रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स यू, बाय बाय.